हेलो दोस्तों, मैं हेमांग शाह सिनेवन होम थिएटर से। मैं आशा करता हूं आप अपने सभी लोग अपने सेहत के ध्यान रखते हैं। दोस्तों, मुझे हर बार फोन पे या पर्सनली मुझे मैसेज आते हैं कि मेरे पास अगर छोटा रूम है तो उसमें थिएटर में कैसे डिजाइन करूं। तो दोस्तों, ये आज खास वीडियो में अभी आपके सभी इसी सवालों के लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक अच्छे से अपना एक प्रोजेक्ट जो मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो मुझे एक चांस मिला था आज ये साइट को विजिट करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि एक छोटा थिएटर अगर आप बनाते हैं तो उसको प्रोफेशनली और एक सिनेमैटिक आप उसको कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, थिएटर्स में सबसे तीन इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं। एक तो आपका साउंड सिस्टम प्रोजेक्शन, सेकेंड थिंग आपका इंटीरियर का थीम। आप थीम क्या इंटीरियर की बना रहे, जिसमें थीम के साथ अकोस्टिक काम करे। और सबसे थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सिटिंग, आप कितने कम्फर्टेबल हो इस थिएटर में। साथ में सिटिंग में ध्यान रखना है कि हमारे जितने गेस्ट हैं या जो भी ऑडियंस है, हम उसको इजीली उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम इस थिएटर में लास्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, वो है सिटिंग। सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ये एक थिएटर है जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 18 फीट बाय 18 फीट का है। तो इसमें हमने तीन पार्ट थिएटर के डिवाइड किए हैं सिटिंग्स में। तो सबसे पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने रिक्लाइनर्स रखे हैं। तो पीछे वाले रो को हमने यहाँ पे 6 रिक्लाइनर दिए हैं मोटराइज्ड। तो आप इसमें हम रिक्लाइन हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कंफर्टेबली मैं हूँ, मैं रिक्लाइन भी हो सकता हूँ और इसको देख सकता हूँ। एक सीटिंग ये है। अगर आपके यहाँ पे गेस्ट ज्यादा आ रहे हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे सोफा सीटिंग दे सकते हैं, और आपका रिक्लाइनर की थीम के साथ ये सोफा सीटिंग मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कम्फर्टेबली बैठ के ये मूवी एंजॉय कर सकता हूँ। सो ये एक सेकेंड सीटिंग हो गया। फिर थर्ड सीटिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका हेड पोजीशन और स्क्रीन के बीच में ना आए। तो इसके लिए आपको लो हाइट में लॉन्जर्स बनाने हैं, जिसमें आप कंफर्टेबली, अब मैं बैठ के दिखाता हूँ, कंफर्टेबली मैं इसमें मूवी एंजॉय कर सकता हूँ। सो मेरा हेड पोजीशन स्क्रीन के व्यू में बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तीन पार्ट है कि आपको अपनी सीटिंग को किस तरह से सेट करना है। सेकेंड पार्ट है आपका जो थिएटर का एम्बियंस। तो ये एम्बियंस इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये थिएटर जैसे फील ला सकता है। तो अच्छे स्टैंडर्ड कलर्स यूज करिए। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा हमने वॉल पे फैब्रिक इस फिनिश किया हुआ है, एकॉस्टिक किया हुआ है, और रेड और ब्लैक के थीम में लिया हुआ है, और साथ में हमने रेड कलर की कारपेट यूज की हुई है। अब इंटीरियर में आपके चॉइस के हिसाब से हम पूरा थिएटर की प्लानिंग बजट के हिसाब से कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आपका होम थिएटर का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है आपका सिस्टम। उसमें आज के ट्रेंड के हिसाब से आपका होना चाहिए एक 4K प्रोजेक्टर, जो बेसिक है और मस्ट होना चाहिए अच्छी ब्रांड का, जैसे बेंक्यू या एप्सन, ये स्टैंडर्ड ब्रांड्स है, आपको 4K प्रोजेक्टर लेना है। अकोस्टिक स्क्रीन है यहाँ पे, सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज एक अकोस्टिक स्क्रीन मैंने ली हुई है, अप्रोक्सीमेटली 150 इंच डायगनल है, जो काफी बड़ी है, और इस अरेन्जमेंट के साथ वो सेट हो रही है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग कैड में करके आपको ये प्लान करना है। सो आपका 4K प्रोजेक्टर स्क्रीन, उसके साथ आपका पावरफुल ऑडियो सिस्टम होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 7.2.4 डॉल्बी एटमोस का पल्स कंपनी का होम थिएटर सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आप देखें तो 12 इंच के मेरे ड्राइवर्स हैं और ये सभी कोएक्सल सीरीज में है। यहाँ पे मेरे 10 इंच के 4 सबवूफर्स हैं। तो ये पावर पूरा पावर एम्प पे डिपेंड है, और ये एक अच्छा सिस्टम हम कह सकते हैं आज की डेट में कि एक क्लाइंट को जो डिमांड है आज की सिनेमा की, कि घर में हमें थिएटर जैसा फील चाहिए, तो इस तरह से आप थिएटर प्लान कर सकते। दोस्तों, अगर आप इस तरह से आपके घर में अगर थिएटर प्लान करना चाहते हो तो आप सिनेवन होम थिएटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम आपको पूरा प्लानिंग, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आपको अच्छा थिएटर हैंडओवर करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन लिस्निंग टू मी हेमांग शाह फ्रॉम सिनेवन होम थिएटर। थैंक यू।